हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस AS4। AS4 का नाम है जी कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। एक बहुत ही छोटा सा AS है, डिस्कस करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है। इसके छोटे छोटे से कुछ प्रोविजंस हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सो AS4, हाँ जी, यस, AS4 क्या नाम है जी? Contingencies and events occurring after the balance sheet date। हाँ जी, इस स्टैंडर्ड में बेसिकली दो ही प्रोविजंस कवर है। कौन कौन से दो प्रोविजन कवर है? ये स्टैंडर्ड डेली दो सिचुएशन को करता है। कौन कौन सी दो सिचुएशन है जी? एक होती है जी कॉन्टिंजेंसीज और एक होते हैं इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब दोनों बातों में क्या फर्क है? सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉन्टिंजेंसीज। कॉन्टिंजेंसीज का मतलब होता है वो सिचुएशन या वो कंडीशन जो कि बैलेंस शीट डेट पर हमें कंपनी को या एंटिटी को पता नहीं है। वो कंडीशन या वो सिचुएशन जो कि बैलेंस शीट डेट पे एंटिटी को पता नहीं है, या मैं कह सकता हूं जिसका रिजल्ट बैलेंस शीट डेट पर एंटिटी को पता नहीं है, लेकिन जिसका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट होना है जो कि अनसर्टेन है, एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, उस पर डिपेंड करता है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है उस सिचुएशन या उस कंडीशन का रिजल्ट। दैट इज नोन एज कंटिंजेंसी। फॉर एग्जाम्पल, डेटर से कुछ पैसे लेने हैं और डेटर हो गया जी इनसॉल्वेंट। क्या बैलेंस शीट डेट पर यह पता है कि डेटर पैसे देगा या नहीं देगा? हो सकता है कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन बैलेंस शीट डेट पर तो यह नहीं पता ना। वो डिपेंड करता है कि बाद में उसकी क्या रिवाइवल होता है या क्या रिजल्ट आता है। दैट इज नोन एज कॉन्टिंजेंसी। और इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या होते हैं? इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट वो इवेंट्स हैं जो कि अकर करते हैं आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। हाँ जी, एक एंटिटी के अकाउंट्स अप्रूव होते हैं जी बाय अप्रूविंग अथॉरिटी लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी के अकाउंट्स को अप्रूव कौन करता है जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करता है। तो बैलेंस शीट डेट से अप्रूवल डेट के बीच में अगर कोई इवेंट हो जाता है, दैट इज नोन एज इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। आइए जी, अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंटिंजेंसीज की, तो कंटिंजेंसीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? हाँ जी, कंटिंजेंसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, अगर कंटिंजेंसी रिलेट करती है, किसको रिलेट करती है? टू दैट सिचुएशन, रिलेट करती है टू दैट सिचुएशन और कंडीशन विच इज एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट, उसको हम अपने अकाउंट्स में ट्रीट करते हैं। क्या बोला मैंने? कंटिंजेंसी जो कि रिलेट करती है टू दैट सिचुएशन और कंडीशन विच इज एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, उसको हम अपने अकाउंट्स में ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर कंटिंजेंसी रिलेट करती है टू एनी इवेंट विच इज नॉट अकरिंग या नॉट प्रेजेंट ऑन द बैलेंस शीट डेट, तो उसको अकाउंट्स में ट्रीट नहीं किया जाता है, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। तो हमें कौन सा इवेंट पकड़ के चलना है जी? हमें इवेंट पकड़ के चलना है जो कि बैलेंस शीट डेट पर अकर हो रहा है, यानी कि उसकी कोई सिचुएशन या कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर अकर करती है। उसके लिए या तो लॉस हो सकता है या गेन हो सकता है। हाँ जी भाई, या तो नुकसान हो, भाई सिचुएशन है, इवेंट है, तो उससे या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे? लॉस को हमें मेजर करना पड़ता है। मेजर कैसे? अगर लॉस की प्रोबेबिलिटी है ज्यादा, मतलब जिसे बोलते हैं प्रोबेबल लॉस, अगर प्रोबेबिलिटी है ज्यादा, प्रोबेबल लॉस है, तो क्या करेंगे? उसका प्रोविजन बनाया जाएगा। अगर लॉस की प्रोबेबिलिटी है कम, दैट इज
रीजनेबली, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकली रीजनेबली पॉसिबल, तो क्या होगा जी, उसका सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। और अगर लॉस है रिमोट, रिमोट होता है ना के बराबर, मैं ये नहीं कह रहा फायदा होगा, मैं कह रहा हूं कि लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हैं, तो नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, उसका कुछ नहीं करना, इग्नोर। और गेन की अगर हम बात करें तो गेन जी डील होता है हमारा बाय AS 29। ये जो गेन की अगर मैं बात करूं तो गेन डील होता है AS 29 के थ्रू। दोबारा देखते हैं कॉन्टिंजेंसीज के लिए। देखिए जी, कॉन्टिंजेंसीज दो तरीके की होती हैं। कितने? दो तरीके की। हाँ जी, जिसकी सिचुएशन या कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती है, या जिसकी सिचुएशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर तो बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट नहीं करती है तो सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। और अगर बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती है तो या तो फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। अगर तो फायदा हो गया तो AS 29 डील करेगा, दैट इज नोन एज कंटिंजेंट असेट्स, जो AS 29 बोलता है। और अगर नुकसान होता है तो नुकसान के केस में हमें देखना पड़ता है, नुकसान को मेजर करना पड़ता है, लॉस को मेजर करना पड़ता है। अगर लॉस की प्रोबेबिलिटी है ज्यादा, मतलब प्रोबेबल लॉस जिसे हम बोलते हैं, तो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अगर डेटर हो गया इनसॉल्वेंट, बैलेंस शीट डेट पर डेटर हो गया इनसॉल्वेंट, तो नुकसान होने के चांसेस क्या है, ज्यादा, तो एंटिटी क्या करेगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना लेगी। अगर लॉस के चांसेस है रीजनेबली पॉसिबल, हो सकता है नुकसान हो जाए, तो सिर्फ डिस्क्लोजर ऑफ दैट इवेंट इज रिक्वायर्ड। क्या बोला मैंने? डिस्क्लोजर ऑफ दैट इवेंट इज रिक्वायर्ड, आपको कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर लॉस के चांसेस है बहुत कम, जिसे बोलते हैं रिमोट, तो नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, दैट इज नोन एज कॉन्टिंजेंसीज। आया कुछ समझ में? चलिए अगली सिचुएशन या अगली चीज जो हमें इस एएस में डील करनी है, दैट इज इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब ये इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या होता है, देखिए जी, ये एक फाइनेंशियल ईयर है, लेट अस से 18-19, 31 मार्च 19 को क्या बनते हैं जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने, लेकिन ये अप्रूव होते होने में कुछ टाइम लग जाता है। लेट अस से ये अप्रूवल की डेट आती है, अप्रूव कब हुए हैं ये अप्रूव है कहीं जाकर 30 जून 2000, ये अप्रूव है जी कब, 30 जून को। तो अगर इस पीरियड में, अगर इस पीरियड में कोई इवेंट हो जाता है, अगर इस पीरियड में कोई इवेंट हो जाता है, कब, बैलेंस शीट डेट के बाद और अकाउंट्स अप्रूव होने से पहले कोई इवेंट हो जाता है, दैट इवेंट इज नोन एज इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। उसको क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब ये इवेंट्स जी दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं जी, इवेंट्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है एडजस्टिंग इवेंट और एक होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट क्या, एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट है जिसकी कंडीशन या सिचुएशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती है, जिसकी कंडीशन या सिचुएशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती है। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट कौन से होते हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट होते हैं जिसकी कंडीशन या सिचुएशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट नहीं करती। अब एग्जांपल दो एक एक करके। एडजस्टिंग इवेंट क्या बोला मैंने, जिसकी कंडीशन या सिचुएशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती है, जैसे कि डेटर का इनसॉल्वेंट हो जाना, डेटर का इनसॉल्वेंट हो जाना। अगर डेटर, हाँ जी, अगर डेटर इनसॉल्वेंट हो गए तो मुझे बताओ क्या बैलेंस शीट डेट पर एंटिटी को पता था डेटर इनसॉल्वेंट हो गए? आंसर इज यस। अगर बैलेंस शीट डेट पर डेटर इनसॉल्वेंट हो गए तो बैलेंस शीट डेट पर पता है कि डेटर इनसॉल्वेंट हो गया, दैट इज नोन एज एडजस्टिंग इवेंट। और नाम से पता लग रहा है कि अगर इवेंट एडजस्टिंग है तो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा इन आवर अकाउंट्स, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन बना देना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं, जिनकी सिचुएशन कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट नहीं करती है। कब, देखो जी, 31 मार्च और 30 जून के बीच में लेट अस से कोई लॉस बाय फायर हो गया, आग लग गई और नुकसान हो गया, या लॉस बाय अर्थक्वेक हो गया, क्या बैलेंस शीट डेट पे पता था अर्थक्वेक होगा या आग लगेगी, नहीं पता था, तो इसको बोलेंगे जी क्या, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो ये हमारे दो सिचुएशंस आती हैं, एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है,
अगर मैं एडजस्टिंग इवेंट की बात करूं तो एडजस्टिंग इवेंट मतलब जिनकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन कहां पर, इन असेट्स और लाइबिलिटी, असेट्स और लाइबिलिटीज में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या, जिनकी कंडीशन या सिचुएशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट नहीं करती, इनकी नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन असेट्स एंड लाइबिलिटी। इसके लिए हमें डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा, कहां पर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इसके लिए डिस्क्लोजर कहां रिक्वायर्ड है, नॉन एडजस्टिंग के केस में डिस्क्लोजर कहां रिक्वायर्ड है, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी की अप्रूविंग अथॉरिटी कौन सी होती है जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो हो गई हमारी डायरेक्टर्स रिपोर्ट। हाँ जी बताइए जी, आई होप दिस स्टैंडर्ड इज क्लियर टू यू। बोलिए जी, स्टैंडर्ड क्लियर हुआ, एक बार फटाफट समअप कर देता हूं मैं आपके लिए। देखिए जी, AS4 कंटिंजेंसी है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। एक हमने क्या पढ़ा जी, कंटिंजेंसी पढ़ा और दूसरा पढ़ा इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सबसे पहले कंटिंजेंसी को डील करते हैं। कंटिंजेंसी का मतलब है वो सिचुएशन या वो कंडीशन जिसका रिजल्ट बैलेंस शीट डेट पे नहीं पता, जिसका रिजल्ट बैलेंस शीट डेट पे नहीं पता, लेकिन उसके रिजल्ट की रिजल्ट कैसे डिसाइड होगा, रिजल्ट डिपेंड करता है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। अब कंटिंजेंसी की वजह से अगर बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो या तो लॉस हो सकता है या गेन हो सकता है। अगर लॉस हो गया तो लॉस को मेजर करना पड़ेगा, अगर प्रोबेबल लॉस है तो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, अगर रीजनेबली पॉसिबल है तो सिर्फ डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, और अगर रिमोट लॉस है तो नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। कंटिंजेंसी गेन की अगर हम बात करें तो AS29 डील करता है। अब अगर कंडीशन या सिचुएशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। दूसरा आता है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या हुआ, कोई भी इवेंट बैलेंस शीट बनने के बाद और रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी से पहले, यानी कि जब बैलेंस शीट अप्रूव होती है उसके बीच में अगर कोई इवेंट हो जाता है, दैट इज नोन एज इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इवेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है एडजस्टिंग इवेंट और दूसरा होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या होता है, एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट है, बताइए जी, एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट है जिसकी कंडीशन या सिचुएशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती है। इसके लिए एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन असेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड डिस्क्लोजर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल डेटर का इंसॉल्वेंट हो जाना। दूसरा आता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नॉन एडजस्टिंग इवेंट मीन्स नो कंडीशन इज एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, उसके लिए नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन असेट्स एंड लाइबिलिटीज, ओनली डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटीज, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। इसका एग्जाम्पल नॉन एडजस्टिंग इवेंट का जैसे लॉस बाय फायर और लॉस बाय earthquake. I hope this standard is clear to you. चलिए जी, अब इसके जो आपके questions आएंगे, आप उसको questions को deal कर लेना, सिर्फ यही चीजें पूछता है वो, adjusting है, non-adjusting है, contingency से question कम आता है, क्योंकि उसके लिए हम AS29 पढ़ जाते हैं group 2 में, ठीक है जी? तो adjusting और non-adjusting event, ये दोनों चीजें आप AS4 के point of view से बहुत अच्छे से करके जाना जी। चलिए जी, thank you very much, bye bye.